हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईटेल विजन वन की, जिसमें लगा हुआ है फाट पी लॉक। तो इस लॉक को कैसे रिमूव करते हैं, तो देखते रहिए हमारी पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। तो देखते हैं दोस्तों, आईटेल विजन वन ये फ़ोन जो है रुक रहा है, यानी कि गूगल अकाउंट यानी कि FRP लॉक मांग रहा है, यानी कि जो आईडी पहले डली हुई थी वो आईडी डाल देंगे तो फ़ोन खुल जाएगा, वरना फ़ोन नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फ़ोन जो है खोलने के लिए सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट करना है। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अब लैंग्वेज पर आना है। लैंग्वेज पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ हिंदी सेलेक्ट करनी है। देखते हैं दोस्तों, मैं हिंदी भाषा यानी कि सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी इंग्लिश पे नहीं होने का। दोस्तों आपको हिंदी भाषा जो है सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है, वहाँ तक पहुँचना है जहाँ आईडी मांग रहा था दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब जो हिंदी में हमने जो फ़ोन, तो दोस्तों हमारा फ़ोन हिंदी में। फिर दोस्तों आपको यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, कोने में एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको जी वोट पर यानी कि सिलेक्ट करना है। फिर देख सकते हैं दोस्तों, ऐट द रेट के बराबर में दोस्तों आ चुका है ऑप्शन। दोस्तों आपको इसे दबाए रखना है। फिर दोस्तों आपको भाषा सेटिंग पे, दोस्तों गलत हो गया, मैं दोबारा कर लेता हूँ, इधर कोने में जाता हूँ, फिर जी बोर्ड ऊपर वाले पे, फिर दोस्तों ऐट द रेट के बराबर में जो निशान है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको भाषा सेटिंग पे, भाषा सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों आपको कीवर्ड जोड़े पे क्लिक करना है। फिर जोड़ने के बाद दोस्तों आपको अंग्रेजी के सामने एक निशान मिलेगा दोस्तों, आपको इस पर ही क्लिक करना है अंग्रेजी पे। फिर देख सकते हैं दोस्तों, आपको थ्री डॉट मिलेंगे ऊपर, इस पर जाना है। फिर सहायता एंड और फीडबैक पे आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च में जाना है ऊपर दोस्तों, यहाँ डी लिखना है। डी देख सकते हैं दोस्तों, आपको पहले यहाँ से फिर ओके कर लेना है। इंग्लिश देख सकते हैं दोस्तों, इसके इससे इंग्लिश आ चुकी है। फिर दोस्तों आपको डी दबाना है। डी दबाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर ही डिलीट और डिसेबल का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, आपको उस पर ही क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको इस पर जाना है, यहाँ पहले नंबर पर दोस्तों। यहाँ आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से यूट्यूब देख सकते हैं दोस्तों, यूट्यूब जो हमें आ चुका है। यूट्यूब आने के बाद दोस्तों आपको अब एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में लगा समय दोस्तों, आपको इस पर जो है क्लिक कर देना। फिर इस पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाले पे जाना है दोस्तों, आपको नीचे जाने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन थोड़ा सेटिंग नीचे सबसे, फिर इतिहास और यूट्यूब सेवा की शर्तें दोस्तों। यहाँ तक जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ से क्या है, हमारा जो है क्रोम ब्राउजर जो है वो खुल चुका है दोस्तों। यहाँ से जो है हम अब दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेंगी दोस्तों। तो मैं साइड डाल लेता हूँ, BK स्मार्टफोन दोस्तों, ये साइड है दोस्तों। यहाँ से दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और हमारा फ़ोन जो FRP लॉक लगा हुआ था वो दोस्तों बिल्कुल लॉक जो है बाईपास हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, हमने जो BK स्मार्टफोन डाली और सबसे ऊपर वाली साइड पे दोस्तों आपको क्लिक करना है BK स्मार्टफोन.com वाली पे। फिर दोस्तों आपको गूगल अकाउंट बाईपास 2019 पे जाना है। देखते हैं दोस्तों, गूगल अकाउंट बाईपास 2020 9.0 पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको दूसरे नंबर वाली एप्लीकेशन जो है इसे जो है आपको डाउनलोड करना है, और एक पाँचवें नंबर की जो एप्लीकेशन है इसे जो है डाउनलोड करना है। इन दोनों एप्लीकेशनों को दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है डाउनलोडिंग पर लगा दी दोनों एप्लीकेशन। थ्री डॉट में जाने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ जाने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, एक एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड हो चुकी है, दूसरी हो और ये भी होने वाली है। तो सबसे पहले एंड्रॉयड 8 जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को जो है अपने फ़ोन में जो है इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों फिर दूसरी वाली जो एप्लीकेशन है FRP बाईपास, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और उस एप्लीकेशन को ऑन यानी कि ओपन कर लेना है। FRP बाईपास जो एप्लीकेशन है देख सकते हैं दोस्तों, इस एप्लीकेशन को दोस्तों खोलें यानी कि ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पे ऊपर जाना है, फिर साइनिंग पे जाना है दोस्तों। आपको यहाँ साइनिंग पे जाने के बाद दोस्तों अपनी यहाँ नई ईमेल आईडी डालनी है, या नहीं है तो पहले बना लें दोस्तों। फिर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड इसमें डाल के दोस्तों लॉगिन कर देना दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो पहले आईडी इसमें डली हुई थी वो आईडी डिलीट हो जाएगी और नई आईडी हमारी जो है सेव हो जाएगी दोस्तों। फिर आपको फ़ोन जो है बंद करके ऑन कर देना है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो फ़ोन जो है बंद करके ऑन कर दिया। फिर दोस्तों अब हम जो नेक्स्ट कर लेते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, अकाउंट ऐड जो पुराना अकाउंट था वो डिलीट हो चुका है और नया अकाउंट हमने जो डाला था वो जो है ऐड हो चुका है दोस्तों। फिर दोस्तों मैं देख सकते हैं इंडिया है सेलेक्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट, और देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फ़ोन है बिल्कुल ओके खुल चुका है। तो दोस्तों आपको अपना फ़ोन जो है इसी तरीके से आपको सही करना है दोस्तों। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो दोस्तों आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और दोस्तों अगर आपका फ़ोन सही हो गया है तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें हमारा फ़ोन सही हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ।